नमस्कार, मैं अब्दुल कदीर, प्राइम 18 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। चंदौली कस्बा क्षेत्र के अंतर्गत एक युवक ने गैर लाइसेंसी हथियार से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। आनन फानन में पहुंचकर पुलिस ने मौके पर सबको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। दीवान सिंह पुत्र मानिक चंद्र उम 25 वर्ष थाना खंदौली क्षेत्र के निवासी पोहिया रहने वाले मानिक चंद्र के बेटे ने एजुकेशन की पढ़ाई कर रहा था। गृह कलेश के कारण दीवान सिंह ने आपको गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। दीवान सिंह की 2 वर्षीय पूर्व में गंगा देवी से शादी हुई थी, जो कि कोटा झील डॉकी गंगा देवी की तबीयत खराब होने के कारण उसको पीर छोड़ आने के कारण। क्या नाम आपका? मोहन सिंह। जो लड़की ने गोली मारी आपका कौन लगता है? ओए, जिस लड़की ने गोली मारी है वो हो। क्या नाम है भतीजी का आपका? दीवान सिंह। जैसे दीवान सिंह ने गोली मारी है, क्या मामला हुआ है? पेपर देने गए आयो ना समझदार बच्चा। वो पेपर कहाँ पर देने गए थे? लखनऊ। फिर उसके बाद क्या हुआ? आयो दुकान की सौदा भर के लाओ। दिल्ली गए दो चार दिन पहले, दुकान खोलवे के लिए सौदा लाओ भर के कपड़ा जी, और वो कपड़ा जहाँ घर पे रख के और आया है और घर पे तो बच्चा घेर पे। ऐसी कोई बात हुई हो जो क्लेश की वजह से उसने? कोई क्लेश नहीं हुआ है। और उनकी शादी हो चुकी है या नहीं? शादी हो चुकी। कितने बच्चे थे उनके? कोई बच्चा नहीं है। शादी के लगभग कितना समय हो गया? 2 साल के लगभग। कितने भाई थे? क्या भाई थे उनके? 3 है। तीनों भाइयों में से बड़े हैं या छोटे? पहली शादी करी। उनके पिताजी का क्या नाम था? मानव सिंह। जो आपके जो रहने वाले हो, जो कौन सा थाना लगता है? खंदौली। जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट।